Good morning everyone, welcome to our channel RDS group class. As you know that we have yesterday finished our half chapter, so today we will move forward to our last chapter. So everybody go through the page number 54, and as you know this is our last chapter, so after that our course will be completed. Okay, so after completing this syllabus we will move towards our English grammar portion. So as I have told you the story of Ricky and Tikki. Who is the writer of the chapter? Actually Rudyard Kipling is the writer of the chapter. So this chapter is written by Rudyard Kipling. Ricky Tikki is written by Rudyard Kipling. So you all have seen that this is the story of a mongoose whose name was Ricky Tikki, and he was very courageous and curious, and his body is like a cat, and whistle, and his head is like a whistle, and Ricky Tikki always talk Rick Tik Tikki Tikki Tik Tikki. This is the sound of the Ricky Tikki, and the motto of all the mongooses, actually it was a mongoose, the motto of all the mongooses is run and find out, and really Ricky Tikki was a true mongoose, and he was a pet of a family, and he lived in a garden of their family, and in garden he had so many friends. So one day he asked the he listened the sound, sorrowful sound of the tailor bird. So he asked the reason, and then Darzi tailor told about the Nag, who was very big and he had eaten up the baby of tailor bird. So tailor bird and his wife was very upset. So Ricky Tikki asked about the snake, and he wanted to take revenge with the snake. So now we will move to our story. What happened? Here is given the conversation between the Nag, that means black cobra, and Ricky Tikki and mongoose. So what happened? Well said Ricky Tikki. Ricky Tikki kehta theek hai, do you think it is right for you eat fledgling out of a nest? तो रिकी टिकी कहता ठीक है, लेकिन ये क्या सही है जो तुमने चिड़िया के टेलर दर्जी के बच्चों को खाया है, बच्चे को खा लिया है, तो क्या ये तुमने ठीक किया है? नेस्ट से बच्चा गिरा और तुमने इतने छोटे से बच्चे को खा लिया, डू यू थिंक इट इज़ करेक्ट? सो वॉट हैपन, नाग न्यू दैट मोंगूज़ेस इन द गार्डन मीन्ट डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली. तो नाग ये जानता था कि मोंगूज़ का गार्डन में होना दैट मीन्स ये डेथ है. किसकी ये डेथ है? नाग और उसकी फैमिली की. बिकॉज स्नेक से वैसे तो कोई नहीं डरता, लेकिन मोंगूज़ से स्नेक बहुत डरता है. ठीक है, और तो सबको स्नेक काट लेगा, लेकिन मोंगूज़ उसको मार देता है, तो मोंगूज़ से बहुत डरते हैं स्नेक. बट ही वॉन्टेड टू थ्रो रिकी टिकी ऑफ हिज गार्ड. मतलब वो जानता था कि इसका मतलब यही है कि उसकी और उसकी फैमिली की डेथ है, लेकिन फिर भी जो है ना वो उसे अपनी रीच से फेंक देना चाहता था, अपनी पहुँच से दूर फेंकना चाहता था. सो ही ड्रॉप्ड हिज हेड अ लिटिल. तो क्या किया नाग ने, अपना जो सर था वो थोड़ा सा नीचे किया और कहा यू ईट एग्स ही सेड. उसने कहा तुम अंडे खाते हो, वाई शुड नॉट आई ईट बर्ड. तो मैं बर्ड क्यों नहीं खा सकता? दैट मीन्स जब तुम अंडे खा सकते हो तो मैं बर्ड क्यों नहीं खा सकता? अगर तुम अंडे खा सकते हो तो मैं बर्ड भी खा सकता हूँ, ऐसा उसने कहा. देन वॉट हैपन, लुक बिहाइंड यू सैंग दर्जी. तो उसी टाइम दर्जी, अब दर्जी टेलर भी, टेलर बर्ड भी वहीं थी, तो दर्जी जो थी वो बोली कि लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो. अब क्या होता है, लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो. रिकी टिकी न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टारिंग. तो रिकी टिकी को ये पता था कि इसको पीछे मुके देखने में देखता हूँ अगर मैं, तो ये बस टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरा टाइम ही वेस्ट करेंगी और इसमें कुछ नहीं है. फिर क्या होता है, ही जम्प्ड अप हाई इन द एयर. वो क्या करता है, हवा में ऊंची छलांग लगाता है
एंड जस्ट अंडर हिम विज्ड बाय द हेड ऑफ नगीना। और जब वो छलांग लगा के कूदता है तो उसके नीचे कौन आ जाता है? नगीना, नगीना नाक्स विग्ड वाइफ, जो कि नाक की दुष्ट वाइफ थी। तो जब वो जंप लगा के जाता है तो उसके नीचे नाक की वाइफ नगीना आ जाती है जो कि बहुत दुष्ट थी। शी हैड क्रप्ड अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग टू किल हिम। और जब वो जो है ना रिकी टिकी जो था, जब नाक से बात कर रहा होता तो वो रेंगती हुई पीछे से आती है क्यों? उसको मारने के लिए। ही हियर्ड हर सेवेजेस हिश एज द स्टॉक मिस्ड। और जो मोंग्यूज होता है उसने उसकी जो क्रूल हिश की आवाज़ होती है, जो दुष्टता भरी आवाज़ उसकी हिश की होती, वो उसने सुन ली थी। वो रेंग के आती है उसको मारने के लिए, जब वो बात कर रहा होता है तो उसने हिश की आवाज़ सुनी थी। लेकिन जो उसका स्ट्रोक होता है, जो नगीना का स्ट्रोक होता है, वो क्या हो जाता है? वो मिस हो जाता है। देन वॉट हैपन, ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक। फिर क्या होता है? ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक एंड इफ ही हैड बीन एन ऑल मॉकेट। और वो उसको पार कर जाता है, वो कूद के उसको पार कर जाता है उसकी बैक को, मतलब उसकी भाई नगीना की बैक पे आके गिरता है। एंड इफ़ ही हैड बीन एन ओल्ड मोंग्यूज, अगर ये एक ओल्ड मोंग्यूज होता, ही वुड हैव नोन दैट दिस वॉज द टाइम टू ब्रेक हर बैक विद वन बाइट। मतलब वो उसकी बैक पे आके गिरता है, ठीक है, जब वो उसको उसका स्ट्रोक मिस हो जाता है, जब उसे काटने आती है, और फिर वो लगभग उस कूद करके उसकी बैक पे आके, उसको फान करके उसकी बैक पे आके गिरता है। तो वो ये कहती है, अगर ये ओल्ड एक पुराना स्नेक होता तो क्या होता? ही वुड हैव नोन, वो अच्छी तरह से ये बात जानता कि इसकी बैक को एक बार काट लेना ही, टाइम टू ब्रेक हर बैक, तो वन बाइट की, एक बाइट काटने से ही हम इसकी बैक को तोड़ सकते हैं। ही बिट, उसने काटा इंडीड बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ एंड जम्प्ड अवे लीविंग नगीना एंग्री। उसने काटा लेकिन उसने बहुत लंबा नहीं, मतलब देर तक नहीं काट पाया, थोड़ा सा ही काट पाया, और एंड जम्प्ड अवे लीविंग नगीना एंग्री। और उस समय और वो उसने जंप लगा दी, वो थोड़ा सा ही काट पाया और जंप लगा दी, लीविंग नगीना एंग्री। और उस टाइम जो नगीना थी वो बहुत गुस्से में थी। विग्ड दर्जी, और नाग जो था वो जाता है, सेड नाग, नाग कहता है विग्ड, दुष्ट दर्जी बहुत गुस्सा हो जाता है, दुष्ट दर्जी लैशिंग अप एट द नेस्ट, नेस्ट की तरफ दौड़ता हुआ जाता है, बट इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो दर्जी था वो इसकी रीच से दूर हो गया था। रिकी टिकी फेल्ट हिज आईज ग्रोइंग रेड, रिकी टिकी की आँखें कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है, हॉट गर्म हो जाती है। व्हेन अ मोंग्यूज आईज ग्रो रेड, जब मोंग्यूज की आईज जो हैं वो लाल हो जाती है, इट मीन्स ही वॉज एंग्री, इसका मतलब होता है कि वो गुस्से में है बहुत ज़्यादा। एंड ही लुक्ड ऑल अराउंड हिम, तो ऑल राउंड हिम, तो उसने जो था उसने चारों तरफ देखा, बट नाग एंड नगीना है डिसअपीयर्ड इनटू द ग्रास, लेकिन नाग और नगीना जो थे वो ग्रास में डिसअपीयर्ड हो गए। सो इन दिस स्टोरी यू हैव सीन हाउ द मोंग्यूज फॉट विद द नाग एंड नगीना, बट एट लास्ट दे बोथ वर डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज रीच, बट एज ही सेव्ड द टेलर बर्ड, he had not saved the baby but he had saved the tailor bird, otherwise वो उनको भी खा जाता जो सांप था। ओके, सो नाउ एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड। सो टूडे एवरीबडी रीड दिस चैप्टर इन होमवर्क एंड ऑल्सो सर्च आउट द वर्ड मीनिंग फ्रॉम डिक्शनरी, दैट इज क्लियर टू यू? ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज? सो टूडे इज, एज यू ऑल नो दैट टूडे इज 8, सो एवरीबडी राइट द डेट 8/9/2020. Rikki Tikki was a mongoose. So first you mention the date and take mongoose and also fifth here. Motto of all mongooses is run and find out. Take. The name of the tailor bird was Darji. Okay. Nag, the big black cobra, was 5 feet long. Clear? Write T for true and F for false statement. Darji and his wife were cheerful. So Darji and his wife were cheerful? False. Darji and his wife? Khush te? No, they were not cheerful. I repeat the, take the correct one, repeat. Number one, mongoose. Number two, run and find out.
number 3 Darji and number 4 5 clear and also fill in these blanks. Okay, so now true false. Darji and his wife were cheerful. False. Mongoose is a curious animal. True. Nagina attacked Nag. False. Nag was angry at Darji and broke his nest. False. Nagina had disappeared into the thick grass. True. False, true, false, false, true. Clear? Next. Next question is, encircle the word that describes Rikki Tikki. Here are given some adjectives for Rikki and Tikki, so everybody recognize and circle. So number one, curious is the quality of Rikki Tikki, and brave is also the quality of Rikki Tikki. He was not lazy, he was not furious, ferocious or not coward. That is clear to all of you. So only curious and brave. So everybody circle curious and brave. Next. Encircle all the words that describe Darji. Darji जो टेलर बर्ड थी उसको क्या डिपेंडेंट, अब वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई थी ना, एंड कंसर्न्ड मतलब चिंता में थे, चिंता कर रहे थे. सो दिस टू, ये एक भी नहीं होगा. नेक्स्ट है, encircle all the words that best describe Nag and Nagina. Wicked, fearful and nasty. गंदे भी होते हैं ना ये, दुष्ट तो थे ही, fearful भी थे, डरावने होते ना, इनसे सब लोग डरते हैं. नेक्स्ट, यूज हाउ वॉट वाई विच हु हूज वैन और वेयर टू कम्प्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्चुअली दिस इज डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस. सो फर्स्ट वन इज हाउ. हाउ मीन्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ हाउ. हाउ मीन्स कैसे. इफ द सेंस ऑफ सेंटेंस इज कैसे, अगर ये सेंटेंस है कोई काम कैसे हुआ, देन वी यूज हाउ. वॉट क्या, वाई क्यों, विच किसका या कौन सा, हु कौन, हुज किसका, वैन कब और वेयर कहाँ. सो नंबर वन डैश हैव यू कम सो लेट. अब इसमें क्या सेंस निकल रहा है इन फर्स्ट क्वेश्चन कि तुम लेट क्यों आए, तो क्या हो जाएगा, क्यों सेंस है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई, वाई हैव यू कम सो लेट. ओके, सेकेंड वन इज व्हाट वाज द मंगूस, व्हाट वाज द मंगूस डूइंग. मंगूस क्या कर रहा था, क्या, दैट मीन्स व्हाट. नेक्स्ट, हैज़ टेकन माई डायरी, कौन ले गया मेरी डायरी, सो वी कैन राइट हियर हु. And the next one is pencil is this, ये pencil किसकी है, whose means किसकी. Okay, so now your exercise is completed. There was not too much exercise, so today you all will read this chapter and also search the word meaning of the chapter. Okay, so this is enough for today. Thank you very much watching for video. Thank you and have a nice day. Wait.